हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है डे 3 और नवरात्रि का डे 1। तो हम रेडी होके चल पड़े थे अपने जिम की ओर और ये सबसे बेस्ट आवाज़ है। आई लव द वॉइस ऑफ माय बुलेट। जब वो डुब डुब होता है ना, सही में दिल में धक धक होने लगता है। तो गाइज, आज मेरा बैक एंड बाइसेप्स डे था, तो फटाफट रेडी होके हम चले गए थे ऊपर अपना वर्कआउट मारने के लिए। तो गाइज, इसमें मैंने अपना वार्म अप नहीं लिया है, बट मेक श्योर करें कि अगर आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं उससे पहले वार्म अप ज़रूर करें। तो गाइज़, अगर आपको फुल वीडियो चाहिए मेरे सारे एक्सरसाइजेस का तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं फुल वीडियो भी बना दूंगी। तो अभी मैंने अपना जिम ख़त्म करके फटाफट मैं निकल गई थी वहाँ से अपने ऑफिस जाने के लिए। फटाफट से पंच कर लिया और पंच करके अंदर आए। वैसे तो पूरा ऑफिस खाली रहता है जब मैं एंट्री मारती हूँ, पर आज निशा आई हुई थी। हाँ, वहाँ पर मेरे नाम की एक और लड़की है। और उसके बाद फटाफट हम चले गए लंच करने, क्योंकि वर्कआउट करने के बाद बहुत ज़ोरों की भूख लगती है गाइस, ट्रस्ट मी। जब खाना इतना अच्छा लगता है ना वर्कआउट करने के बाद कि आप कुछ भी खा लोगे। वैसे तो मैं बहुत अच्छा खा रही थी, मेरी मम्मी के हाथ का बना हुआ पुलाव और मैंने जो बनाया था रायता। सो गाइस, दिस इज़ मी। तो आज मैंने सोचा था ब्लैक कुर्ता पहनूँ, तो ब्लैक में मस्त लग रहा था यार। And this is the view from my office. I love this view. So guys, we are ready और हम जा रहे हैं VNF। तो आज का थीम है येल्लो, जैसा कि आप देख सकते हैं। कोमल छुपने के चक्कर में गिर गई, वैसे तो पहले से ही। So ये रही। तो गाइस, चलो फटाफट निकलना है, लेट हो गया वैसे भी इन लोग की वजह से, क्योंकि ये लोग रेडी थे इस वजह से मुझे लेट हो गया है। तो चलो मिलते हैं। तो गाइस, हम निकल चुके थे, 3 जन का बहुत बड़ा ग्रुप निकल चुका था गरबा करने के लिए और पूरा ग्राउंड अकेले ही हिलाने के लिए। यार बस एक ही चीज़ का दुख है कि आज से ना हर रोज़ इतना ही ट्रैफिक मिलने वाला है। सच्ची बता रही हूँ, 15 मिनट तो हम इस ट्रैफिक में ही फंसे रह गए। तो गाइस, आप देख सकते हैं अकोटा ब्रिज पे कितनी भीड़ जमा थी। तो यहाँ से निकलने में ही हमको एटलीस्ट 10-15 मिनट्स लग चुके थे। फाइनली हम अपने गरबा ग्राउंड तक पहुँच चुके थे
और यहाँ पे इन लोगों ने पार्किंग के 20 रुपीस भी लिए हमसे। यार समझ नहीं आता है यार, इतना पैसा पास का भी लेते हैं फिर पार्किंग के भी पैसे लेते हैं, गजब है। मैं भी सोच रही हूँ नेक्स्ट टाइम से पार्किंग के पैसे लेने के लिए खड़े हो जाऊँ, अच्छी खासी साइड इनकम आ जाएगी। तो गाइज अंदर जाते ही हमने ये फोटो बूथ का स्टॉल देखा। ये एंट्री गेट 1 और एंट्री गेट 2 दोनों साइड से अगर आप एंट्री करते हो ना नवलखी ग्राउंड में, तो वहाँ पे ये फोटो बूथ बनाया हुआ है और यहाँ पे ये कोका कोला वालों की तरफ से सेल्फी वाला कुछ एक्टिविटी था, तो वो किया मैंने, बहुत मज़ा आ रही थी। अगर आप जाते हो तो करना, ये बहुत मज़ा आएगा, और मेक श्योर करें कि मुझे टैग करो आप। और जो चीज़ मैंने की हो मेरी बहन ना करे, ऐसा हो सकता है? तो मेरे बाद फटाफट मेरी जिया भी चली गई कि मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। वैसे तो मेरी जिया बहुत सुंदर लग रही थी, बोलने की क्या ज़रूरत है। हाँ हाँ, सो दिस इज द सेलिब्रिटी फेस गाइस। टन टन टन, तो गाइज ये है मैं और मेरी मंडली गरबा ग्राउंड में धूम मचाते हुए। गाइस ब्रेक में हमने 100-200 रील बनाया और फिर हम वहाँ से फटाफट निकल गए घर आने के लिए। होप यू गाइस एंजॉयड, तो मिलते हैं दूसरे व्लॉग में, बाय बाय।